जब अपने ही घर में कोई थू थू और सूसू करे तो तैमंद बचाने कहां जाए, वह भी तब जबकि पिछवाड़े वाले हिस्से से तैमंद में पहले ही पूर्णिमा का चांद बना हुआ है। यानी घबराना नहीं बोलने वाली सरकार के मंत्री खुद नारा लगा रहे हैं शर्माना नहीं, यह मदरसों वाला पाकिस्तान है और भारत ने उनकी तस्वीर पर जो लाल रुमाल बांधा है वह उनकी बकलोली में सबसे बड़ी बाधा है। दरअसल पिछले 2 माह से खो खो खेल रहा पाकिस्तान अब अपनी जनता को जवाब नहीं दे पा रहा है। 27 सितंबर की वह तारीख भी बीत गई है जब भोकाल इमरान खान नियाजी को हीरा मंडी के फर्स्ट फ्लोर पर गधैया नर्तक करना था। इन्हें इसके लिए ना ढोलकिया मिला और ना जाना बाई के घुंघरू, सबके सब चीन के पास गिरवी पड़े हैं। पर पाकिस्तान की मीडिया में अभी भी कुछ जंग बहादुर हैं जो इमरान नियाजी को तंग कर रहे हैं। एक टीवी इंटरव्यू में जब एंकर ने विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को याद दिलाया कि पाकिस्तान ने पिछले हफ्ते यूएन में कश्मीर मुद्दे पर 57 देशों के समर्थन का दावा किया था, यूएन महासभा की बैठक में उसने प्रस्ताव पेश करने की अनुमति भी मांगी थी, ये अनुमति पाकिस्तान को मिल भी गई लेकिन उसने प्रस्ताव पेश नहीं किया। इस सवाल को सुनकर शाह महमूद कुरैशी का मुंह रात भर खुले में पड़े रहे अमरूद जैसा हो गया, वे बिफर गए और उन्होंने उल्टे एंकर से सबूत मांगे। पर एंकर को जंग बहादुर वैसे ही नहीं कहा है, उसने तुरंत कुरैशी द्वारा किए गए ट्वीट के प्रिंट आउट सामने रख दिए। इससे इस विदेश मंत्री का चेहरा और भी बिगड़ गया, यानी ऐसी शक्ल बनाई जैसे उसको मदरसे से धक्के देकर निकाल दिया गया हो। एंकर ने कहा कि आपने खुद यूएन में 50 से ज्यादा मुल्कों के समर्थन और बयान जारी करने की बात की थी लेकिन उनमें से एक भी देश का बयान नहीं आया। इस पर शाह महमूद कुरैशी ऐसे घिरे कि वे भी अपने उस्ताद की तरह यू टर्न मार गए और बोले ये T20 नहीं टेस्ट मैच है। गौरतलब है कि पाकिस्तान ने UNHRC में जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार की स्थिति को लेकर कहा था कि 60 देशों से उसे समर्थन मिला है। सार्वजनिक तौर पर उन देशों का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया। जिनेवा में UNHRC में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने कहा था कि इन देशों की एक सूची भारतीय प्रतिनिधिमंडल को सौंपी जाएगी लेकिन हकीकत कुछ और निकली। इस मुद्दे से जुड़े देशों ने पाकिस्तान को समर्थन से इनकार कर दिया। कमाल की बात यह है कि इंडोनेशिया जैसा इस्लामिक देश भी पाकिस्तान की तस्वीर पर गिलास का पानी उड़ेलकर चलता बना। पर मामला यहां तक नहीं है। पाकिस्तान के नियाजी ने जितने कुर्ते कश्मीर के नाम पर फाड़े थे अब पाकिस्तानी जनता उनकी गिनती कर रही है। हर जुमे के रोज पाकिस्तान के भिखारियों को सड़कों पर खड़ा करने की जो मुहिम शुरू की गई थी वे कराची के कचरे से कचरा बीन रहे हैं। नियाजी 2 दिन पहले POK में चक्कर लगाने गए जरूर पर वहां पर उन्हें कोई भी ऐसा नमूना नहीं मिला जो भारत गोली से 72 हूरों के पास जाना चाहता हो। यानी अब पाकिस्तान LOC पार करने की बजाय लॉकडाउन को ज्यादा भाव दे रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब पाकिस्तान की किसी भी मंडी में कश्मीर को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है। मेंढक की तरह फुदकने वाले नमूने कश्मीर से सरक कर अपनी किस्मत पर आ गए हैं जिसे इमरान खान नियाजी ने बदलने का वादा किया था। अब पाकिस्तानी जनता में बड़ा मुद्दा कश्मीर नहीं है बल्कि अब बड़ा घर हो गया है। इमरान खान ने गरीब पाकिस्तानियों से 50 लाख घर के नाम पर जो 220 रुपए का शुल्क वसूला था लोग उसे वापस मांग रहे हैं। इस योजना में करीब 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरे थे और पाकिस्तान के सरकारी खजाने में अरबों रुपए आए थे जिन्हें पाकिस्तान की सरकार ने कहां उड़ाया कुछ खबर नहीं है। जनता को घर तो मिले नहीं, इमरान नियाजी ने उनकी गाड़ी कमाई को भी गपत कर लिया। अब वे लोग भी उग्र हैं जिनसे डैम बनाने के नाम पर पैसा वसूला गया। मजे की बात यह है कि पाक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज साकिब निसार ने इसमें 10 लाख की रकम दान की थी। वे खुद भी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि डैम के नाम पर जो फंड आया उसका लेखा जोखा जनता के सामने रखो। पर ये लेखा जोखा जनता के सामने तो तभी रखे अगर खजाने में कुछ बचा हो। शायद अब पाकिस्तानी जनता को इमरान द्वारा फाड़े गए कुर्तों से समझ में आ गया है कि यह बंदा इतना भोकाल बना क्यों घूम रहा था। दरअसल अपने घपलों से जनता को भटकाने के लिए ही यह कश्मीर का राजदूत बन रहा था। पर अब कश्मीर तो पूरी तरह भारत का हो गया और इसकी हांडी महमूद कुरैशी ने लांग दी, इसलिए पाकिस्तानी जनता को कुछ कुछ सच्चाई नजर आने लगी है।
कुरैशी जरूर T20 और टेस्ट मैच का वास्ता देकर मुंह घुमा गए हो, पर यह सवालों की शुरुआत है। पाकिस्तानी सरकार ने कश्मीर के नाम पर जनता को जितना भरमाया, अब उनके जवाब तो देना जरूर पड़ेगा। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।